अगर आप भी फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी वीडियो अपलोड करके अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लो कि हो सकता है कि ऐसा अगर आपने 500, 100, 200 या 1000, 2000 या 10000 या 1,00,000 डॉलर आपने कमाए हों, लेकिन आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से हो सकता है कि आपका उस रेवेन्यू का कम से कम आपको 30%, 40%, 30% या मे बी और भी ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेटली 20-30% या 40% आपको फेसबुक को देना पड़े। यानी ये वही वाली बात है, कमाई तो हुई नहीं और उसका कहीं ज़्यादा पैसा आप किसी और को दे रहे, तो ये सब क्यों होता है इसी को समझो। अभी बहुत सारे लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ है जिसमें से कि लोगों का जो रेवेन्यू है वो काट लिया जा रहा है, अर्निंग कट हो जा रही है। इतना ही नहीं, एक और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप भी बोनस प्रोग्राम आपको मिल गया है भाई, दोनों लोगों का मुद्दा यहाँ पर सॉल्व होगा। सबसे पहले वो लोग जिनका अर्निंग कट हो रहा है, दूसरे वो लोग, बोनस प्रोग्राम अगर आपको मिल गया है तो रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर डेडिकेटेड मेरी वीडियो आ चुकी है, उसको जाके आप देख लो, है ना। वो डिटेल्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको देखो, समझो और सीखो कि कैसे आप अपनी रेवेन्यूज को अप कर सकते हो, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपको बोनस मिल गया तो किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो आपसे बोनस वो दोबारा छीन लिया जाए। बहुत सारे लोगों का गायब हो रहा है, लोगों को बोनस प्रोग्राम मिल गया लेकिन लोग जो है उसको कहीं ना कहीं छोटी थोड़ी गलतियां करके उसको गायब कर दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचना, कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें मिलेगा कि रेवेन्यू कट क्यों हो रही है, पूरा लाइव प्रूफ। दूसरा सबसे खास बात कि बोनस प्रोग्राम से रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है उसको कैसे सेफ रखना है और कैसे उसको इंक्रीज़ करना है, एवरीथिंग। तो देखो आप डिटेल्स में समझो इसको। सबसे पहले आपको मैं बोनस वाला केस बता देता हूँ, मैं पहले आप बोनस वाला देख लो भाई। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि अभी इस पे इस प्रोफाइल के ऊपर, बेसिकली ये प्रोफाइल है, महाराज जी की प्रोफाइल है ये, और अभी इस प्रोफाइल के ऊपर अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे पेज का रिकमेंडेशन वगैरह सब परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पर मोनेटाइजेशन का स्टेटस देखोगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस और एड्स एंड रील्स का इनका यहाँ पर स्टेटस, अभी इनका ये मोनेटाइज हुआ है। और प्रोफाइल का स्टेटस देखोगे तो ऑटोमेटिक सब ग्रीन है, यानी किसी तरीके की कोई भी अभी समस्या इसके ऊपर नहीं है। मोनेटाइजेशन के टैब पे आप आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इनको दो टूल मिले हैं, बाकी टूल्स अभी पेंडिंग है। ये वाला टूल भी जल्दी ही मिल जाएगा जैसे इनका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 60,000 में से इनके 2,000 तो हो चुके हैं। अब जैसे आप देखेंगे सेटअप के लिए भी कुछ अवेलेबल है, जैसे स्टार का सेटअप है, सब्सक्रिप्शन का सेटअप है, ये सेटअप भी कंप्लीट कर दूंगा मैं फिलहाल, तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे बोनस प्रोग्राम के अंदर एड्स एंड रील्स भी अभी कुछ दिन पहले ये भी मिला है, 2-3 दिन पहले। और बाकी यहाँ पे बोनस प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोनस में अभी इनका यहाँ पे ऐड हो गया है, और जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इनका अभी परसों इनका ये सेटअप कंप्लीट किया था। अब इनको बताऊंगा कि भाई कंटेंट डालो ताकि इनका रेवेन्यू जनरेट हो। अब एक सबसे मेन चीज़ आप समझिए, लोग गलती क्या करते हैं, ये बोनस कंप्लीट करने के लिए कुछ भी अपलोड करते हैं। पहली बात तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि हो सकता है आप एक बार कमा लोगे, दो बार कमा लोगे, तीन बार कमा लोगे, चौथी पांचवी बार आपको मेनला ही बंद हो जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देगा और रेड कलर कर देगा, पूरा अर्निंग बंद कर देगा। दूसरे वो लोग कि अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होती तो लोगों को, आपको पता है भैया इसको ना, इसको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की उनको लगा रहता कि अच्छा इसको क्या करें, इधर क्या करें, अच्छा इस प्लस पे क्या होता है, अच्छा ये तीन डॉट पे क्या होता है, और तीन डॉट पे आते यहाँ पे देखेंगे अरे भाई साहब बोनस तो जनरेट हो नहीं रहा है, वो यहाँ पे क्या करेंगे इसको एंड कर देते हैं, जिसमें से स्पेशली मेंशन है यहाँ पे कि योर बोनस विल बी स्टॉप अर्निंग न्यू बोनसेस फ्रॉम दिस बोनस अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करते हो ना तो आने वाले टाइम की कोई भी न्यू बोनस आपको नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट रूप से यहाँ बोल रहा है। फिर भी लोग जो है उसको कांड करके बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको दबाई देते हैं इस बटन को कि दबा के देखते हैं। जैसे देखो ना, जैसे छोटा बच्चा होता ना, अभी अगर आप छोटे बच्चों बोलोगे भाई ना वो वाला गेट मत खोलना, वो ज़बरदस्ती वही वाला गेट खोलेगा, ये वाला काम नहीं करना, वो वही काम करेगा छोटा बच्चा। तो लोग जो है ऐसे छोटे बच्चों की तरह हरकत करते हैं, उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करना, ये करना वो करना। तो भैया पर्सनली सजेशन है कि ये गलती आप मत करो ताकि आपको किसी तरीके का ऐसा कोई भी नुकसान ना हो। अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों की रेवेन्यू कट हो रही है, जिनकी पैसे की कमाई जो बंद हो रही है ना उनकी। तो देखो भैया सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, जैसे इनवॉइस मान लीजिए आपका यहाँ पे मेटा की तरफ से आएगा तो रेवेन्यू जनरेट हुआ 376 का, 400, देखिए आप यहाँ पे देखिए $440 का पूरा रेवेन्यू हुआ, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे $66 तो इसने सिर्फ यहाँ पे टैक्स काट लिया, देखिए यहाँ पे विथ होल्डिंग टैक्स यहाँ पे काट लिया, एक ये है। दूसरा एक और आप रेवेन्यू देखो यहाँ पे, एक ही वाला देखो, इसमें देखो कितना काट लिया, 793 का कुछ रेवेन्यू हुआ था पूरा फाइनल, और 20 मार्च को जो पेमेंट यहाँ पे हुआ जिसमें आप देखेंगे कम से कम $192, करीब 14-15,000 तो उसने टैक्स ही काट लिया।
अब सोचो कि इतना तो टैक्स कट जा रहा है, अब लोग इस चीज़ को लेकर परेशान कि भाई टैक्स क्यों कट रहा है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक और इनवॉइस देखो, आप इसमें देखोगे कि भाई 22 तक जो है इसमें कमाई हुई 2944 रुपये, 2944 डॉलर का, जिसमें से आप देखोगे 2947 यूनिट्स यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें सिर्फ 2.74 डॉलर का कमाई मतलब कट हुआ। देखिए वहाँ कहाँ 700 डॉलर था, 200 डॉलर कट हो रहा है, यहाँ का 3000 डॉलर राउंड फिगर में सिर्फ 2-3 डॉलर ही कट रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हो सकता है कि जो आपका टैक्स आईडी वेरिफिकेशन है ना, उसको आपने प्रॉपर नहीं किया होगा। बट फिर भी अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप फेसबुक की टीम से एक बार डिस्कस करो, उनसे बातचीत करो और टैक्स आईडी को आप अपडेट करो। आपको मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे लिखा रहा ना ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू गेट पेड, है ना, तो ये आप यहाँ पे टैक्स आईडी यहाँ पे जनरेट करो। क्योंकि अगर आप और देख लो किस किस चीज़ की आपकी अर्निंग है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका ये स्टार का है, एड्स ऑन रील्स का है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये टैक्स आईडी आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऐड करके आपको डालना पड़ेगा ये सब चीज़ें। जैसे आप इसको वेरीफाई करके आगे प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भैया फॉलो कीजिए और टैक्स आईडी को अपडेट करो, ताकि आपको जो रेवेन्यू ना कटे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। तो हालांकि इस वाले पेज पे तो मैं कर दूंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने टैक्स आईडी वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कुछ भी मिस्टेक की, जैसे आपको याद होगा टैक्स आईडी वेरिफिकेशन में एक चीज़ आता है 0%, तो आप 0% सेलेक्ट करो ना भाई, कहाँ आप ऐसा चीज़ कर रहे हैं जिससे कि आपका इतना डॉलर देना पड़ रहा है। बाकी फिर भी अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली फेसबुक की टीम से कॉन्टैक्ट करो, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, पेमेंट क्यों काट रहे हो, किस वजह से काट रहे हो। और ऐसा ऐसा नहीं बोलो कि सबके साथ है, कुछ लोगों के साथ है, बट जिनके साथ उनका बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, आपके साथ में भी हो सकता है अगर आपने टैक्स आईडी वेरिफिकेशन को सही से फिल नहीं किया। इसके ऊपर डेडिकेटेड मेरी वीडियो है, आप जाके देख लीजिए, सेटअप वाला, एड्स ऑन रील्स वाला सेटअप, स्टार वाला सेटअप, इनस्ट्रीम एड्स वाला सेटअप, सब में कहीं ना कहीं टैक्स आईडी वेरिफिकेशन का सेटअप मैंने दिखाया ही है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे प्रोसेस, किसी भी तरीके की कोई भी कमी आपके सामने नहीं आएगी और ना ही होगी। तो गाइस ये था एक अपडेट आप सबके लिए कि आखिर में बोनस को पहली बात तो भाई एंड नहीं करना है, दूसरा अगर आपका ऐसे इस तरीके से लेटर आपका प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को पहले आप ठीक कर लो, ताकि आपके रेवेन्यूज ज़्यादा कट ना हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, आप बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय, आपकी रेवेन्यू कटती है या नहीं कटती, नॉइस उसका जरूर चेक करें एक बार और उसमें देखें कितना आपका टैक्स कट रहा है फेसबुक की तरफ से, और कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो परेशान है, बाकी जो क्रिएटर्स लोग परेशान हैं, उनको भी इसकी नॉलेज हो और वो भी इस चीज़ को चेक करें और अपनी समस्या का सॉल्यूशन वो ले सकें। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी सुझाव, कोई भी कंसल्टेंट, किसी भी तरीके की आपको कोई भी जानकारी चाहिए, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर लो और फिर मेरी टीम की तरफ से आपको टाइम दीजिएगा, डायरेक्टली आपको फिर मेरा खुद का वीडियो कॉल आएगा, ऐसे 1-to-1 में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। चाहिए।